हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शैलेश जायसवाल, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ लॉ। देयर आर टू लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या नीड्स है हमको किरचॉफ लॉ स्टडी करने की, क्यों स्टडी करते हैं और किस लिए स्टडी किया जाता है किरचॉफ लॉ, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ये ओम्स लॉ है कि करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो दोनों इक्वेशन को एक करके अगर हम लिखते हैं तो वो आता है करंट इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर। ओके, सो इसके अलग अलग फॉर्म है, V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू V बाय आई। ओके, तो ये हो गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बताता है कि करंट ये डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर से। ओके, तो इसे उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किट है, क्लोज लूप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R और यहाँ पे हमने वो वोल्टेज लगाया, पावर सप्लाई बोलेंगे उसको हम, और सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। तो हम एक कुछ से भी पर्टिकुलर उसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे। लेट अस सपोज हियर वी यूज द बैटरी और पावर सप्लाई और प्लस 5 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कंसिडर की है लेट अस सपोज 10 किलो। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ हियर वी कैन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। तो कितना आएगा करंट? आई इक्वल्स टू, हियर वी यूज द ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। ओके, सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट क्लोज लूप, आई इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज प्लस 5 वोल्ट अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो। And you know that 10 kilo ohm is 10 into 10 to the power 3 ohm. Okay, so your value become 0.5. 5 by 10 means kitna hota hai? 1/2. 1/2 is 0.5 into 10 to the power. Ye plus 3 upar jane ke baad kitna hoga? Minus 3 ampere. Itna hoga current. So therefore I equals to 0.5. Ab minus 3 ka matlab hota hai milli. So isko likhenge milli ampere. तो आपने देखा अभी कि बाय यूजिंग द ओम्स लॉ ये वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सिंपल सर्किट, सिंपल वन लूप इज देयर। ओके, तो कितना आया करंट यहाँ पे? यहाँ पे करंट आया है 0.5 एम्पीयर। सिंपल हमने यूज किया ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे अब इस सर्किट में आप देखोगे एक ही ईएमएफ है, एक पावर सप्लाई, एक ही बैटरी ऐसा बोलेंगे हम, और एक रेजिस्टेंस है। कुछ सर्किट में एक से ज़्यादा ईएमएफ या फिर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ आपको कि यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रहा है आपको। अब इस सर्किट के अंदर में 2 EMF है, E1 और E2, और लगभग 5 रेजिस्टेंस। अगर इस तरीके का अगर सर्किट आता है और आपको अगर एक कोई भी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर निकालना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द करंट बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। तो इस तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को अगर हमको निकालना है तो हमें यूज़ करना पड़ता है किरचॉफ्स लॉ। ओके,
सो किर्चॉफ्स लॉ समझने के लिए, सो द किर्चॉफ लॉ, सो देर आर टू लॉ इज हियर, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज किर्चॉफ करंट लॉ एंड द सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज किर्चॉफ वोल्टेज लॉ. ओके, सो वन बाय वन हियर वी सी द फर्स्ट, हियर वी सी द किर्चॉफ फर्स्ट लॉ. तो क्या है किर्चॉफ फर्स्ट लॉ? तो किर्चॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ ऐसा बोलता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू द जीरो. और मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, समेशन आई इक्वल्स टू जीरो. द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो. इसका मतलब हम थोड़ी देर के बाद में इस डायग्राम में से समझेंगे. उसके पहले हमको इस डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है. तो दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको साइन कन्वेंशन के. करंट फ्लोइंग टुवर्ड जंक्शन, अगर करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो उसको कंसिडर करना है पॉजिटिव, और करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको कंसिडर करना है निगेटिव. ठीक है, तो ये एक सर्किट, सॉरी एक जंक्शन बनाया है यहाँ पे. तो यहाँ पे फाइव वायर्स दिख रहे हैं आपको जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, I4 and I5. ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि करंट I1, I3 और I5 ये जंक्शन की तरफ जा रहा है. ये जो डॉट दिख रहा है आपको ये जंक्शन है, कैपिटल जी इसको बोलेंगे. ठीक है, तो करंट I1, I3 और I5 ये जंक्शन की तरफ जा रहा है. मतलब हमको ये I1, I3 और I5 क्या लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइंस कन्वेंशन इज पॉजिटिव. सो इट मीन्स दैट हियर वी कैन रिटन एज प्लस I1 प्लस I3 प्लस I5. ओके, ठीक है. अब ये तीन करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम उसको लिखते हैं पॉजिटिव. अब बचे दो करंट है वो है I2 और I5. तो वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है. तो अकॉर्डिंग टू दिस योर सॉरी उल्टा हो गया क्या? ओके, हाँ. सो अकॉर्डिंग टू योर साइन कन्वेंशन द करंट I2 and I4 ये क्या है? इट करंट, दिस करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन. सो हियर वी यूज द नेगेटिव साइन. तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -I2 और -I4 इज इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब क्या है कि अगर इमेजिन करो कि अगर तीन ब्रांच में से करंट इनसाइड जा रहा है, इमेजिन करो कि अगर I1, I3, I5 की वैल्यू 2 एम्पियर है. लेट सपोज इज 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर. ओके, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर. तो ये रहेगा टोटल कितना हो गया? 6. तो ये रह सकता है I2 और I4. 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कैसा भी अगर देखेंगे हम 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, -3 माइनस 3 माइनस 6, +6 -6 इक्वल्स टू 0. जरूरी नहीं कि -3 -3 रहे, हो सकता है ये -5 -1 रहे. मतलब तीन ब्रांच में से अगर करंट इनसाइड आ रहा है तो आउटवर्ड जो जाएगा वो एग्जैक्टली जितना करंट आया है उतना ही करंट बाहर जाएगा. मतलब देर इज कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पर कोई लॉस नहीं है. ओके, समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज किर्चॉफ करंट लॉ. ओके, और अगर और दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं इसको, तो ये पहले इक्वेशन में था I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4. अब यहाँ पे -I2 और -I4 को मैं उस साइड में लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा इक्वेशन? I1 प्लस I3 प्स I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I4. मतलब दोनों भी साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए. या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं. और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे अगर सपोज मैंने I1 ले लिया 2 एम्पियर, इसको लिया 3 एम्पियर और इसको लिया 5 एम्पियर, टोटल सम कितनी हो गई? टोटल सम हो गई 10 एम्पियर. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में जो करंट आउटपुट की तरफ जाएगा तो
वो कितना भी रह सकता है, लेकिन उसके सम कितने आने चाहिए? 10. Either it's 5 plus 5 or 2 plus 8 or 8 plus 2 and so on. Okay, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं. Okay, so the next is the Kirchhoff second law. और ये विषय है Kirchhoff voltage law. तो क्या बोलता है Kirchhoff voltage law? इसका सबसे पहले हम statement देखेंगे, फिर mathematically इसको कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे, और फिर सर्किट कैसे सॉल्व करना है, फिर किरचॉफ करंट और वोल्टेज लॉ लगा के हम सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, तो वन बाय वन हम ध्यान देंगे आगे. तो किरचॉफ सेकंड लॉ और हियर वी से एज ए किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो क्या बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ? द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ टेकन अलोंग एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू the algebraic sum of the product of current and resistance in the circuit. This is a statement. And the mathematically here we can written as a summation of E equals to summation of IR. Abhi E, IR, EMF, ye kya cheez hai, ye dekhenge hum iske andar. To sabse pehle, EMF matlab kya? Jaise ye symbol dikh raha hai, ye kya kya symbol hai? Ye symbol hai battery or power supply. Usko bolenge EMF. Ek circuit ko agar hum power supply dete hai, battery dete hai, तो वो सर्किट के अंदर में उसको बोलेंगे हम ईएमएफ. प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम उसका? ईएमएफ. ओके, तो इस तरीके से वो सर्किट पे दिखाई पड़ेगा आपको. और उसके बाद मतलब ये यहाँ पे बोला उसने ईएमएफ और ये उसके बाद बोला है उसने करंट एंड रेजिस्टेंस. अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एवरीबडी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस. बिकॉज सबसे पहले हमने देख चुके थे ओम्स लॉ के अंदर में आई इक्वल्स टू वी बाय आर और वी इक्वल्स टू आई आर. Yes or no? उसके हिसाब से V equals to I into R है. ठीक है, तो I into R मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस. तो बोला गया अभी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट. क्या मतलब हुआ इसका? कि एक सर्किट है, क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ है उसकी अल्जेब्रिक सम और जितने भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप उसकी सम, ये दोनों क्या रहते हैं? इक्वल. देखो फिर से बोलता हूं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ टेकन अलोंग एनी क्लोज सर्किट. उस क्लोज सर्किट में हम जो भी कुछ क्लोज सर्किट लेंगे, अभी आगे देखेंगे हम जो भी कुछ क्लोज सर्किट लेंगे, उस क्लोज सर्किट के अंदर में रहने वाले जितने भी ईएमएफ किस अल्जेब्रिक सम, जितने भी ईएमएफ की अल्जेब्रिक सम वो इक्वल रहती. किसकी इक्वल रहती? किसकी इक्वल रहती? इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इसका मतलब क्या कि उस सर्किट, उस क्लोज सर्किट में जितने भी करंट और रेजिस्टेंस इनका प्रोडक्ट, जितने भी रेजिस्टेंस है उसके उसमें से जाने वाला करंट, उस करंट और रेजिस्टेंस इनका प्रोडक्ट, उनकी अल्जेब्रिक सम की इतनी ईएमएफ रहता है. तो मैथमेटिकली हम देखेंगे कि समेशन ऑफ ईएमएफ आइदर वन टू जितने भी रहते होंगे, वन टू थ्री जितने भी ईएमएफ रहते होंगे, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री इक्वल्स टू द जितने भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल उसकी सम, ये दोनों क्या रहते हैं? इक्वल. Once again, we read the statement, the algebraic sum of the EMF taken along any closed circuit is equal to the algebraic sum of the product of current and resistance in the circuit. ठीक है, तो ये हो गया potential drop और ये हो गया EMF. ठीक है, तो अभी हम circuit देखेंगे और उस circuit को solve करने के लिए जो sign convention हमको देखना है वो इस तरीके से, जैसे हमने Kirchhoff current law में देखे थे. क्या देखे थे? कि अगर junction के तरफ जाने वाला current उसको हमने बोला था positive और जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट उसको बोला था हमने नेगेटिव. उसी की तरह से इसका भी साइन कन्वेंशन रहेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ. क्या रहेगा साइन कन्वेंशन? देखो हम एक पर्टिकुलर पाथ से गुजरेंगे. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सर्किट में अगर ये ईएमएफ लगा होता है, ओके इसे इसको ई बोलता हूं मैं. ठीक है, तो अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, कैसे?
सर्किट में हमारा पाथ जो लूप का ट्रेस है, जो पाथ है हमारा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। क्या करना है? ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। कब? जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं सर्किट के अंदर में, क्लोज लूप में, तो ईएमएफ लेना है नेगेटिव। समझ में आया? उसी की तरह से इसके अंदर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस है, अगर हमारा ट्रेसिंग पाथ और कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, तो जो आयर हम लेंगे वो लेना है नेगेटिव। और इसके अपोजिट पाथ है, कन्वेक्शन करंट के अपोजिट पाथ अगर हमारा है, तो आयर लेना है पॉजिटिव। ये दो चीज ख्याल में रखनी है। ये आपको सर्किट में ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, ओके। सो तो अभी आपने साइन कन्वेंशन देखा, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों यूज करते हैं सर्किट के इक्वेशन निकालने, ठीक है? ओके, तो ये आपके सामने सर्किट है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं, तो सिंपल ओम्स लॉ से एक कोई भी तो भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम किरचॉफ लॉ यूज करते हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इसमें से फ्लो होने वाले करंट हमको निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है? तो हम किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों यूज करते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे दो ईएमएफ दिए हैं इस सर्किट में, ईएमएफ E1 एंड E2 और रेजिस्टेंस दिए R1, R2, R3, R4 एंड R5। और इसको पूरे लूप को मैंने क्लोज सर्किट को एक नाम दे के रखा है, वो नाम है ABCDEF, ठीक है? ओके, अब कन्वेक्शन करंट आपको पता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो होता है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, ये इधर जाएगा ये ब्रांच में, तो ये करंट को मैंने नाम दिया I1। क्या नाम दिया मैंने? I1। ओके, और ये करंट इधर आएगा, ये भी हो गया I1। लेकिन अभी ये दूसरी बैटरी है, यहाँ पर से करंट निकलेगा E2 है, तो करंट निकलेगा I2 और ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हियर I2, हियर I2 रेड है एंड हियर इज I2। अब ये जो जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन क्रिएट हुआ है, बी पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, तो अप्लाइंग द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, द सम ऑफ द जंक्शन, सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि I1 और I2 जंक्शन पे आए और वो इस पाथ की तरफ मूव है, मतलब या इस ब्रांच में से, मतलब R3 में से जाने वाला करंट क्या रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ? क्या रहना चाहिए बेटा? ये भी आया इधर आ रहा, उधर वो भी आया आ रहा, तो दोनों की क्या हो जाएगी यहाँ पे सम? यहाँ लिखेंगे हम I1 प्लस I2, यस और नो? आउटपुट करंट है ना, जितना अंदर आ रहा है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू माइनस I1 माइनस I2, वही बाहर जा रहा है, मिला के बाहर जा रहा है, यस और नो? तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर से हमने बना लिया यहाँ पे, फिर ये करंट इधर आया I1 प्लस I2, फिर से ये यहाँ पे जंक्शन हुआ और ये एक करंट था I1 प्लस I2 कंबाइन में, बाहर जाने वाले दो करंट रहेंगे, फिर से किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फिर से इधर जाने वाला करंट रहेगा I1 और इधर जाने वाला करंट रहेगा I2, फिर से डिवाइड हो गए। समझ में किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन समझ में आपको ये सर्किट के अंदर में, ठीक है? तो ये I1 और I2, फिर से वो इधर आएगा, ये इसमें से I2 फ्लो होगा और फिर उसको इधर जाके मिल जाएगा, फिर से इसमें से I1 फ्लो होगा और उसको जाके मिल जाएगा, इज इट ओके? ठीक है, तो अब हमको करंट निकालना है, साइन कन्वेंशन आपके सामने ही है, ठीक है? तो अब हम लूप कंसिडर करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन निकालना है, ठीक है? तो लूप कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये लूप कंसिडर कर रहे हैं हम, A, C, D, F, A, अंदर की ब्रांच नहीं लिया हमने, A, C, D, F, A, इतना पूरा सर्किट लिया, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे
और हमारा पाथ रखते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज. कैसे रखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. हम ऐसे जा रहे हैं. कैसे जा रहे हैं? ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. और फिर से यहाँ मिल गए. ये समझ में आ रहा आपको? हमारा पाथ कौन सा है? हमारा पाथ है एंटी क्लॉकवाइज. अब उसके हिसाब से हमने जो लूप लिया है बाय यूजिंग दिस, आपको इक्वेशन बताना है. चलो स्टार्ट करो. अब हम इधर से जा रहे हैं, अब ऐसे जा रहे हैं. यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम. तो हियर वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. फॉर ये मैप नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपना पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ई क्या लेना चाहिए? प्लस ई वन. समझ में आया? फिर से हम नीचे आए हैं इधर. अब हमारा जो पाथ है ये रेजिस्टेंस है आर टू. हमारा पाथ और कन्वेक्शन करंट का पाथ दोनों सेम है. हमारा पाथ और कन्वेक्शन करंट का पाथ दोनों सेम है, तो आयर क्या लेना चाहिए यहाँ पे? निगेटिव. तो आयर मतलब ये आई वन है और ये आर टू है, इसलिए माइनस आई वन आर टू आया. समझ में? अब नीचे आए हम. नीचे आने के बाद फिर से हमारा पाथ और कन्वेक्शन करंट दोनों क्या है? सेम नहीं है बेटा, अपोजिट है ना. ये पाथ है हमारा और ये कन्वेक्शन करंट है. अगर वो अपोजिट रहता तो आयर क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव. तो क्या रहेगा यहाँ पे? प्लस आई टू आर फोर. ये आई टू और ये आर फोर. ठीक है, अब हम इधर आ गए. तो हम अब मूव हो रहे हैं. हमारे पास ऐसा है पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव. ये मैप अगर हम मूव हो रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, पाथ हमारा पॉजिटिव से निगेटिव है, तो ये मैप क्या रहना चाहिए? माइनस ई टू. ये देखो ऐसे मूव हो रहे ना. तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये माइनस ई टू. ओके वन सेकेंड. अब इसका देखो, ये रेजिस्टेंस का हमारा पाथ और कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. हमारा पाथ और कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. फिर से आयर क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव. प्लस आई टू आर फाइव. फिर से हम इधर गए. यहाँ रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है. फिर हम इधर आए. फिर से हमारा पाथ और कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या आई? फिर से सेम आई. तो फिर से क्या रहेगा? सेम रहेंगे इसके आई वन आई आर क्या रहेगा? निगेटिव. सो वन सेकेंड, माइनस आई वन आर वन इक्वल्स टू जीरो. और देखो हम इसको मैं कैसे लिखता हूँ. पूरी ई एम एफ एक तरफ लेता हूँ और आयर उस तरफ लेता हूँ. सो ई वन माइनस ई टू इक्वल्स टू, इसको उधर सबको आयर को उधर फेंक दिया मैंने. आई वन आर टू माइनस, अभी निगेटिव उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. आई टू आर फोर माइनस आई टू आर फाइव प्लस आई वन आर वन. और इसको और मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ. यहाँ पे ई वन माइनस ई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आई वन है, यहाँ भी आई वन है, तो ये आई वन क्या निकलता है? कॉमन आर वन प्लस आर टू. यहाँ पे इसके बाद में ये माइनस माइनस माइनस, ये भी कॉमन निकाल देता हूँ. माइनस आई टू कॉमन निकाला, बचता गया आर फोर प्लस आर फाइव. देखो बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सो बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या दिखाई दिया आपको? एक साइड में पूरा ईएमएफ है और दूसरे साइड में पोटेंशियल ड्रॉप है आईआर का. तो ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू ये रहता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ई वन माइनस ई टू इक्वल्स टू आई वन आर वन प्लस आर टू माइनस आई टू आर फोर प्लस आर फाइव. अब अगर आपको सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, ईएमएफ की वैल्यू पता है, और एक कोई भी करंट की वैल्यू अगर पता चल गए, तो दूसरी करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो. ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है. अगर सिंपल ओम्स लॉ लगाते तो निकाल सकते थे क्या? नहीं. ऐसे इस तरीके से इस साइन कन्वेंशन और इस लॉ का यूज़ करके हम ऐसे इक्वेशन तैयार करेंगे, और इस इक्वेशन के बेसिस पे कोई भी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. इज इट ओके? सो इसी के साथ किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड हो चुका है. तो आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.